भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान के बाद और अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, उसके बाद एक बात साफ है, बिहार की जनता ने डंके की चोट पर यह संदेश दे दिया है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दुगो भुजाना चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है, यही इनकी सोच है। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं, वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। भाइयों और बहनों, आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। भाइयों और बहनों, बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। इनके लिए चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग। बिहार के गरीबों से इन लोगों ने वोट देने तक का अधिकार भी छीन करके रखा था। गरीबों को घरों में कैद करके उनके नाम से जंगल राज वाले खुद जाकर के वोट दिया करते थे। तब मतदान नहीं होता था, वो तो दिखता था सिर्फ, हकीकत में तो वो दिन थे जब मत छीन लिया जाता था, वोट की लूट होती थी, गरीब के हक की लूट होती थी। बिहार में गरीब को सही मायनों में मतदान का अधिकार
एनडीए ने दिया है। आज बिहार में दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वंचित हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी को भी मानने वाला हो, उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार मिला है।